तुम पृथ्वी के नमक हो। पर विष्णु जी ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो उस वस्तु को जिसको नमकीन करना है किससे नमकीन किया जाएगा? कोई भी ऐसी वस्तु नहीं नमकीन हो सके। अपने दही भले खाते हैं, यहीं भी बनाते हैं कई बार, तो उसके अंदर नमक ही ना हो। नमक तो डाला लेकिन जो नमक है उसके अंदर नमकीन करने की शक्ति नहीं है, कोई भी नहीं खाएगा। घर में सब्जी बनाई और सब्जी के अंदर नमक तो डाला लेकिन जो नमक था वो बिगड़ा हुआ था, वो खराब था, वो नमक खराब था। सब्जी में तो डाला और सब्जी नमकीन नहीं हुई। जब सब्जी नमकीन ही नहीं हुई तो खाएगा कौन फिर? जब नमक ही से नमक होती है नमकीन, कोई और वस्तु है ही नहीं, तो क्या लेकर आएंगे कि उसको नमकीन किया जा सके? कुछ भी नहीं। ऐसे कितनी वस्तुएं हैं जो नमक से नमकीन होती हैं। और मान लो नमक ने अपना स्वाद देना बंद कर दिया, नमक ने नमकीन करना बंद कर दिया, तो उसका क्या फायदा है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। ये प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे वचन लिखाया, एक बहुत अद्भुत वचन है, ध्यान से इसे समझिएगा। तुम पृथ्वी का नमक हो, पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। जब सब लोग समझेगा, खास करके पुराने लोग, जब नमक का स्वाद बिगड़ गया वो किसी काम का नहीं है। मैं सब्जी में क्यों डालूं? किसी काम का नहीं, वो फेंका जाएगा, वो फेंका जाएगा लोगों के पांव तले, वो फेंका जाएगा, वो रोंदा जाएगा। जब नमक काम का ही नहीं रहा तो उसे संभाल कर कौन रखेगा? जब नमक काम का नहीं रहा तो डिब्बी में डालकर कौन रखेगा? अपने पास कौन संभाल लेगा? कोई नहीं, क्योंकि वो काम का ही नहीं रहा। पर विष्णु जी ने कहा तुम जगत के क्या हो? नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। तुम्हें क्या करना है? लोगों को नमकीन करना है। बताऊंगा आगे चलकर, इसे आधा मत सुनिएगा, नहीं समझ नहीं आएगा, पूरा सुनिएगा। तुम क्या हो? पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमें क्या बनना है? नमक। लेकिन एक घटना और हुई थी। आज का हेडिंग क्या है? आप नमक है या नमक का खंबा? आप नमक है या नमक का खंबा? कुछ ऐसा भी हुआ था कि नमक का खंबा बन गया था कोई। उत्पत्ति 19 अध्याय 26 वचन पढ़िएगा। उत्पत्ति लूत की पत्नी 19 अध्याय 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, लूत की पत्नी ने जो लूत के पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, पीछे की ओर देखा और वे नमक का खंबा बन गई। नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर उसे उस देश से, जो देश आग से नष्ट किया जाने वाला था, वहां से निकाल कर परमेश्वर ब्लेसिंग के स्थान पर लेकर जा रहा था। लेकिन उसकी गलती क्या थी? उसने पीछे मुड़कर देखा। जब पीछे मुड़कर देखा वही नमक का खंबा बन गया। आज भी है,
बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और मैं वहां गया हूं, किसी काम के नहीं, किसी काम की नहीं रही, क्योंकि नमक का खंभा बन गई। बाइबल कहती है पर यीशु मसीह जी ने भी जिक्र किया, जब पीछे मुड़कर देखा नमक का खंभा बन गया, वो नमक नहीं चाहिए। आप में से भी कई ऐसे लोग हैं जो नमक थे लेकिन जो नमक थे पृथ्वी के नमक थे लेकिन पीछे मुड़कर देखने से नमक का खंभा बन गए हैं। आपको सोचना है पीछे मुड़कर देखने से, देखिए पीछे मुड़कर देखने क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पवित्र बाइबल में से परमेश्वर ने मुझे सब कुछ बताया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सदोम और अमोरा का देश नष्ट होने वाले थे, उनके ऊपर आग गिरने वाली थी और वो तबाह होने वाले थे, सड़ने वाले थे, जलने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इसको मैंने बचाना है, इस परिवार को मैंने बचाना है, ये परिवार मैंने नष्ट नहीं होने देना, इस परिवार को मैंने बचाना ही है, इस परिवार को मैंने यहां से निकालना ही है। तो परमेश्वर ने कहा अपने दूतों के द्वारा तुम यहां से निकलो और ब्लेसिंग की जगह पर जाओ, यहां तो आग गिरने वाली है, सब जल बल जाएगा, लेकिन एक बात है पीछे मुड़कर मत देखना। ये आज्ञा भी दी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरे देश में सिर्फ मुझे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने सिर्फ मुझे चुना है। उन्हें यह नहीं सोचा कि सारा देश के लोग आग और गंधक से जल जाएंगे, मर जाएंगे, खप जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा परिवार ब्लस होगा, मेरे परिवार पर परमेश्वर की निगाह है, मेरा परिवार मुझे, मेरे परिवार को परमेश्वर बचाना चाहता है, इस नाश होने वाली जगह से निकाल कर परमेश्वर वहां मुझे लेकर जाना चाहते हैं, ब्लेसिंग की जगह पर। और परमेश्वर ने कहा भी, परमेश्वर ने चुना भी, लेकिन जैसे वहां से निकले बाकी परिवार के लोग तो निकल गए, लेकिन उस औरत ने क्या किया, उनमें से लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का खंबा बन गया, नमक का खंबा बन गया, थामा बन गया, पंजाबी में कहूं नमक का खंबा बन गया, परिवार ब्लेसिंग की जगह पर आ गया, ऊपर से आग गिरी हो तो लोग नष्ट हो गए, पूरा देश बर्बाद हो गया, आज भी वहां घास नहीं होता, मैं गया हूं वहां पर, यहां की यह घटना है। तो लेकिन वो क्या हो गई, नमक का आप परमेश्वर से जब बादला पे आएगा तो उस पे अनुग्रह होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आप क्या है, आपको सोचना है आज। परमेश्वर कहते तुम तो नमक का क्या हो, पृथ्वी का, तुम तो पृथ्वी का नमक हो। आप कहते हाँ खुश होते हैं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, बताऊंगा आगे चलकर सब आप समझेंगे जब। और फिर जब ज्यादा नमक इकट्ठा हो जाता है तो फिर खंभा बन जाता है, जब पीछे मुड़कर देखते हैं वो खंभा बन जाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहते। पीछे मुड़ के देखना क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लूका 9 अध्याय 61 और 62 काठ और बासठ बाठ लूक का 9 अध्याय 61। एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक नमक ने कहा हे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पीछे हो लूंगा। किसी ने कहा हे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे नाश होने से बचाना चाहते हैं, हाँ प्रभु जी मुझे इस्तेमाल करें, मुझे इस नाश होने से छुड़ाएं। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नमक बनाऊंगा, ऐसा नमक जो मैं बताऊंगा आपको पवित्र वचन, जो बिगड़ेगा नहीं, पृथ्वी का नमक बनाऊंगा, तुझे ब्लेसिंग दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। उसने कहा हे प्रभु फिर से पढ़ना।
एक और ने भी कहा, किसी ने कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा पे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं, पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से पूछ आऊं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे कि घर के लोगों से विदा होकर आऊं, घर के लोगों मुझे विदा करने के लिए विदा कर देंगे, हाँ भी मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसा 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 करके मुझे घर के लोगों से पूछ आने दे। प्रभु यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, आपने देखा हल क्या होता है, सबने देखा ही होगा, है ना, ऐसे आगे बैल चल रहा होता है और पीछे क्या होता है, लकड़ी का हल होता है, और लकड़ी का जो हल होता है उसके नीचे एक लोहे की सब्बल जैसी होता, कुछ लगा होता लोहा सा, तो ऐसे बैल चल रहा है और ऐसे क्या पकड़ी होती है, वहां मुन्नी कहते हैं उसे, ऐसे मुन्नी पकड़ चल रही है, बैल चल रहा है, ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, पर यीशु मसीह जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, हल पर रखकर पीछे देखता है, वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, वो नमक नहीं है, नमक का पीछे मुड़कर देखा क्या बन गया है, वो नमक का खंभा है। अब यीशु जी कहते हैं हल हल आगे के देखना है, चल रहा है आगे देखना है, चल रहा आगे देखना है, पर यीशु जी कहते हैं अगर हल पे हाथ रख ही दिया, जब हल पे हाथ रख दिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। उसे ने कहा क्या था, पर यीशु जी मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों से पूछ लूं, घर वालों से विदा ले आऊं, घर वालों से सहमति ले आऊं, पर यीशु जी ने कहा यह तो तू पीछे मुड़कर देख रहा है, यह तो वो बात है जो तू पीछे मुड़कर देख रहा है। पर यीशु जी ने कहा लूत की बीवी को याद रखो, आप फिर नमक नहीं, नमक का थंब बन जाते हैं, नमक का खंभा बन जाते हैं, और किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, पर यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, जब बादलों पे आएंगे, मेरी इच्छा यही है कि प्रभु अनुग्रह करे और वो खंभा जो है फिर उसके अंदर कुछ हो जाए तब्दीली, लेकिन खंभा किसी काम का नहीं, ना उन लोगों में रहा ना जो आगे ब्लेसिंग वाले गए उनमें रहा, गलती क्या इसकी, पर यीशु जी कहते पीछे मुड़कर देखा, हल पर हाथ रख दिया, बजाई शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया, अब पीछे देखा, देखा भी क्या, उसने कहा क्या था, घर वालों से सलाह कर, घर वालों से पूछ, इतना तो कहा था, पर यीशु जी ने कहा जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर पर यीशु मसीह जी कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है जो पीछे मुड़कर देखता है। हालेलुया, आपको यह सोचना है, लूत की पत्नी को यह सोचना चाहिए था कि परमेश्वर इतने लोगों में से मुझे क्यों चुना, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे चुना, मुझे ठहराया, इतने लोगों से अलग किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फलवंत हो, ताकि तुम आशीष पाओ, ताकि तुम नाश होने से, नरक जाने से बच जाओ, पूरा संसार पड़ा हुआ इतने से लोग यहां पर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जब परमेश्वर कहते हैं हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारी भूत निकल जाए, दुष्ट आत्मा ठीक हो जाए, हमारी बीमारियां निकल जाए, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, नहीं घर वाले कहते ऐसा है, नहीं घर वाले कहते ऐसा है, नहीं बाहर वाले कहते ऐसा है। मती 5 अध्याय 11 और 12 वचन, मती 5 अध्याय 11 और 12 वचन, घर वाले ऐसा कहते हैं, रिश्तेदार ऐसा करते हैं, और फिर वही काम करने लग जाते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है,
परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया है, आपने पवित्र आत्मा के है, आपने चंगाई के वरदान को चखा है, आपने ब्लेसिंग पाई है, आपने आशीष पाई है, आपने परमेश्वर को पा लिया है, इस पूरे संसार से परमेश्वर ने आपको चुना है। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग थे, आपसे ज्यादा अमीर लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना। परमेश्वर ने लूत की फैमिली को चुना, परिवार को चुना, ताकि वो नाश होने से बच जाएं। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई परमेश्वर मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। आपको सदीपक जीवन देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कैसे मुड़कर देखते हैं, मत्ती 5:11-12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जब परमेश्वर मसीह के कारण तुम्हारी निंदा होती है। लोग कहते हैं, अरे ये तो ईसाई बन गए, अरे ये तो इन्होंने तो धर्म बदल लिया, अरे इन्हें तो पैसे मिल गए, अरे ये तो जानबूझकर करते हैं, है ना। जब पवित्र आत्मा आती है, अरे इनको तो बेस्ट एक्टिंग कर रहे हैं, 500 रुपया दिया होगा, आज तो 1,000 रुपया मिला होगा, आज कितने पैसे मिले होंगे एक्टिंग करने के, बातें करते हैं। तुम्हारे बाबा परदादा तो इसको नहीं मानते थे, तुम वहां क्यों जाने लगे, तुम चर्च क्यों जाने लगे, वहां क्या है, ये है, वो है, झूठी बातें आपसे कहते हैं। आपको पता है कि आपका धर्म नहीं बदला, आपको पता है, मुझे पता है, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, आप सबको पता है कि आपका धर्म नहीं बदला, चाहे आप 20 साल हो गए यहां आते हुए, चाहे 40 साल हो गए हमारे साथ, आपको पता है कि आपका धर्म नहीं बदला, क्योंकि बाइबल धर्म नहीं बदलती। पर यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए, पर यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए, पर यीशु मसीह हानि को लाभ में बदलने के लिए आए, पर यीशु मसीह श्राप को आशीष में बदलने आए, जो श्राप थे तुम्हारे ऊपर, पर यीशु मसीह असफलता को सफलता में बदलने के लिए आए, पर यीशु मसीह निराशा को आशा में बदलने के लिए आए, पर यीशु मसीह दुख को सुख में बदलने के लिए आए, पर यीशु मसीह बीमारियों को चंगाई में बदलने के लिए आए, पर यीशु मसीह जी दुष्टता को निकाल कर पवित्र आत्मा देने के लिए आए, पर यीशु मसीह जी धर्म बदलने के लिए नहीं आए, पर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए। हालेलुया। लोग यीशु जी ने पहले कह दिया था, क्या कहा था, 11:12 5 धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम उस समय, ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, जब मनुष्य लोग यीशु जी कहते मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और तुम्हें सताएं। और वो आगे मसीहा वाले, और देख लो हालेलुया वाले आगे उल्टा पुल्टा बोलते हैं, इनको और कोई काम नहीं है, हार्ट है, बंदगी बंदगी बंदगी, कहां से आए हो, और आप कहते बंदगी से, अरे देखो आप फिर बंदगी से आए, अरे कहां जा रहे हो, बंदगी जा रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है। जब पूछते हैं कहते हैं कहां जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, कहां से आए, चर्च से आए हैं, क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करने लगे हो, प्रार्थना करने लगे, कोई रिश्तेदार नहीं तो आलतू फालतू है, तो शादी पे बिल्कुल टाइम पर जाते हैं और वापस आते हैं, अरे घर क्या करोगे जाकर, नहीं भी हमारी तो बंदगी है, नहीं भी हमने तो प्रार्थना करनी है, हमने रिश्ता निभाना था निभा दिया, अब हम जा रहे हैं। वो कहते क्या है, हर वक्त बंदगी 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 बंदगी, हर वक्त प्रार्थना 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 प्रार्थना, क्यों हमारे साथ बैठकर वो जो बंद कर दिया टिकटॉक वगैरह, कुछ उसकी बातें भी करो, थोड़ी देर बैठो हमारे साथ, बुराई की बातें करो, हंसी मजाक की बातें करो, मखौलियों की जुंडली में बैठो, थोड़ी देर हमारे साथ टाइम बताओ, लेकिन आप लोगों का अंदर से क्या होता है, ऐसा होता है पता नहीं, आपको किसी ने जकड़ कर थोड़ी देर बैठाया हुआ है, यहां से निकलूं, बस यहां से निकलूं, यहां से निकलूं, क्योंकि आप सब बातें घुमा घूमकर घुमाकर लेकर आएंगे। हाथ यसुदाए जिन्हें आदम का पुतला बनाया, और वो बस मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, वो हाथ होते इधर उधर की बातें घुमा घुमा कर आपको वहीं लेकर आना चाहते हैं, वो वहीं लेकर आएंगे, आप इधर से घुमाकर वहीं लेकर जाना चाहेंगे परमेश्वर की बातों पे, मुझे मालूम है, तो फिर वो झूठी मूठी बातें कहेंगे। हाँ फिर से पढ़ो 11:12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बात कहे, झूठ बोल बोल कर। परमेश्वर मसीह ने ब्लेस किया, आपका मकान बनने लग गया, तो कहते अरे पैसे मिल गए वहां चर्च जाने से। अभी एक हमारे जिनका बाथरूम भी कच्चा था, कच्ची ईंटों का, तो उनकी बेटी चर्च में आने लगी और तुरंत परमेश्वर ऐसा किया, पक्का कमरा, पक्की रसोई, पक्की चार दीवारी, पक्का लैट्रिन बाथरूम सब बन गया। गांव के लोग पता क्या कहते हैं, तेरी लड़की ने धर्म बदल लिया ना, वहां से चर्च से पैसे मिले हैं इसलिए ये तू सब बना रहा है। और वो पता क्या था, आदमी वो गवर्नमेंट टीचर था, सरकारी सरकारी टीचर था। वो कहता है नहीं नहीं मेरी तो 40-50 हजार तनख्वाह आती है। वो कहते हैं तनख्वाह तो तेरी 17 सालों से आ रही थी, अब एक महीने में क्या हो गया? तो झूठ बोल। जब आपकी ब्लेसिंग आती है, आपके पास गाड़ियां आती है, आपको प्रभु धनी बनाते हैं, आपके घर में कमाई रहने लग जाती है। पहले क्या था, कहां जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर अरे भाई कहां से आ रहे हो? डॉक्टर से आए हैं। आप पूछते हैं भाई कहां जा रहे हो? आप कहते हैं बंदगी में जा रहे हैं। कहां से आए? बंदगी से आए हैं। सब कुछ बदल गया। हालेलुया हालेलुया। वो पैसा जो छेद वाली थैली में था वो निकलना बंद हो गया। छेद वाली थैली में जो पैसा निकल रहा था, और वो पैसा आप निकालते हैं, कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, जहां भी आप इस्तेमाल करते हैं करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग झूठ बोल बोल कर। हाँ पढ़िएगा एक साथ, पढ़ते 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आनंदित होना, लूका में लिखा आनंदित होकर उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। पर विश्व जी ने पहले कहा था झूठ मूठ बातें, तो अगर आप उन लोगों की झूठी मूठी बातों पर ध्यान देंगे, इसका मतलब आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, इसका मतलब आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। और फिर लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, नमक का थम बन गई, किसी काम की नहीं रही, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई आशीष नहीं मिली। आपको ध्यान रखना है। एक वचन और पढ़िएगा, मत्ती 13:11, मत्ती की इंजील 13:11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। पर विश्व मसीह जी ने कहा, तुम्हें स्वर्ग के राज्यों के जो भेद हैं, स्वर्ग राज्य के जो भेद हैं, उनकी समझ दी गई है, उनको नहीं दी गई। तुम लोगों को, आप लोगों को स्वर्ग के राज्य जो है, तुमको क्या दी गई है? स्वर्ग राज्य के भेदों की समय दी गई है। तुम्हें स्वर्ग राज्य के भेदों की समय दी गई है। तुम्हें समय दी गई है स्वर्ग के भेद कैसे परमेश्वर ने बनाया था। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसा किया था, अब ऐसा होगा, आने वाले समय में क्या होगा, आपको भेद पता है स्वर्ग के, उनको नहीं पता, इसलिए आप उनकी बातों में आकर आ जाएं। उसे कहते हैं हाल पे हाथ रखकर पीछे देखना और लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर देखना, नमका थमा बन जाना। लेकिन मैं चाहता हूं आप ऐसा नमक बने जो कभी बिगड़े ना। हालेलुया हालेलुया। दूसरा राजा 2:19-22 तक पढ़िएगा। दूसरा राजा, बहुत एक खास बात आपको बता रहा हूं, दूसरा राजा 2:19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देखिए नगर मन भावने स्थान पर बसा है। कुछ लोगों ने
कहा ये नगर तो बड़ी सुंदर जगह पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। हाँ, उसके पास वो नमक लेकर आए। तब वे जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा यहोवा यो कहता है। उस पानी में नमक डाला और कहा यहोवा यो कहता है। यहोवा यो कहता है मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वे फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। वो पानी मौत का कारण और गर्भ गिराने का कारण ना हो ना होगा। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया। हुआ क्या? कुछ लोगों ने कहा हमारे जो पानी है इससे मृत्यु होती है, बच्चों की मृत्यु होती है, पैदा बच्चा होने से पहले बच्चे जो है वो मर जाते हैं, मां के पेट में बच्चे मर जाते हैं। चाहे कुछ ही हफ्ते का हो मां के पेट में वो मर जाते हैं, गर्भ गिर जाता है और अगर बड़े होते हैं मृत्यु होती है। इस पानी से मृत्यु आती है और ये पानी हानिकारक है। ये इस पानी से पीने से अब क्या करते बेचारे? ये तो है नहीं कुछ और इंतजाम करते। वो पानी ऐसा मृत्यु लेकर आता था, उनके गर्भ गिरने का कारण था। लेकिन परमेश्वर के दास ने अलीशा ने क्या किया? उन्हें कहा थोड़ा सा नमक लेकर आओ। उन्होंने प्याले में नमक लेकर आए। उसने उस नमक को उस पानी में मिला दिया, उस पानी में घोल दिया और जैसे वो नमक उसमें डाला गया, जैसे वो नमक उस पानी में घुल गया तो क्या हुआ? पानी ठीक हो गया। आपको कौन सा नमक बनना है? नमक बनना का नमक का खंबा बनना है। नमक बनना का नमक का खंबा बनना है। नमक का खंबा बनना है तो पीछे मुड़ते देखते रहिए, कोई बात नहीं। अरे भाई तुम लोगों को सर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। उसके बावजूद भी अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर नमक का खंबा ही बनेगा। लेकिन यहां पर वही पानी जिससे मृत्यु आती थी, वही पानी जो गर्भ गिरने का कारण होता था, नमक डालने से लोग मृत्यु से बच गए, लोग फलवंत होने लग गए, उनके बेटे हुए, बेटियां हुई, पोते हुए, पोतियां हुई, आगे के आगे बच्चे होने लगे। हालेलुया, हालेलुया। उसी नमक से परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, मौत को मृत्यु को लाभ में बदल दिया, मृत्यु को जीवन में बदल दिया। उसी नमक को जब उसके अंदर वो नमक उनके अंदर घुल गया। अरे आप पृथ्वी का नमक हो, आप लोगों को जीवन देने वाले हो, आप लोगों को मृत्यु के मुंह से बचाने वाले हो। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर नमक तो है तो नमक का थम ही बनेंगे, फिर खंबा ही बनेंगे। और वही पानी जो हानि कर रहा था वही पानी लाभ देने वाला बन गया जब उसके अंदर नमक घुल गया। आप यहां घुल जाएंगे, हानि लाभ में बदल जाएगी। आपकी बात कर रहा हूं, चाहे आप परमेश्वर मसीह को मानते हुए 10 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, आप पृथ्वी का नमक हो। जहां आप भूल जाएंगे, जहां आप भूल जाएंगे लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, कहां भी आप अपना नमकीनपन वहां छोड़ेंगे तो वो व्यक्ति मृत्यु में भी जीवन पा जाएगा। जिनके मौत जैसी बीमारियां लगी हुई हैं, जो मृत्यु तक बीमारियां लेकर जा रही है जिन्हें, वो मृत्यु के मुंह से भी बच जाएंगे। क्योंकि आप परमेश्वर मसीह जी कहते हैं पृथ्वी का नमक हो, आप पृथ्वी का नमक हो। जो नमक है ना, मरकस 16 अध्याय 17 और 18 में लिखा है, जो नमक है
बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। नमक परमेश्वर मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकालेगा, लेकिन नमक पीछे मुड़कर देखेगा तो खंबा बन जाएगा नमक का, जो किसी काम का नहीं। तो आप जरा सोचो, लोग पता नहीं कितने सालों से मर रहे थे, कितने सालों से बच्चे मर रहे थे, कितना दुख होता है जो लोग हमारे पास आते हैं नए नए बेचारे और कहते हैं इतने दिन का बच्चा था वो ऐसा मर गया, इतने दिन का बच्चा था ऐसा हो गया, कितने दुख की बात है, इतने दिन का बच्चा था ऐसा हो गया, कितने ऐसा हो गया। तो हमें बहुत दुख होता है, हमारे घर में बच्चे हैं, हमें मालूम है माँ बाप कितना प्रेम करते बच्चों से, कितने दुख की बात होती है। यहां तो यह था कि उनका सबके साथ ऐसा हो रहा था, सबके गर्भ गिर रहे थे, मौत का कारण हो रहा था वो पानी, हानि का कारण हो रहा था वो पानी, लेकिन जब उसके अंदर नमक घुल गया, आप घर जाकर नमक मत घोलने लग जाना, आप नमक हो पृथ्वी का, जैसे परमेश्वर जी ने कहा आप जगत की ज्योति हो, ऐसे कहा परमेश्वर जी ने कि आप क्या हो पृथ्वी का नमक हो, अपने अंदर नमकीनपन रखें। स्वर्गीय भेद आपके ऊपर प्रकट हुए हैं, आपके अंदर स्वर्गीय जो भेद हैं, आप स्वर्गीय लोग हो, चाहे आप धरती पर रहते हो वो तो स्वर्गीय, आपके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं, आपके संग स्वर्ग में चारों ओर चलते हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, आपका हाथ यीशुदाए, आपका हाथ, आप जिसके ऊपर हाथ रखते हो चंगा होता है परमेश्वर मसीह के नाम से। आप जैसे प्रार्थना करते हो हाथ रखकर दुष्ट आत्मा को निकालते हो, वो निकलते हैं, मेरा इंतजार करने की जोर थोड़ा होता है कोई, आपके द्वारा परमेश्वर मसीह चमत्कार करते हैं, लेकिन उस नमक के, उसके द्वारा जो पीछे मुड़कर नहीं देखते उसके द्वारा। तो आप जहां भूल जाएंगे नमक जो है, आप जहां घुल जाएंगे लोग मृत्यु जैसे रोगों से भी बच जाएंगे, आप जहां घुल जाएंगे लोगों के फल बच्चे गिरने बंद हो जाएंगे, चाहे भूमि का फल हो, चाहे पशुओं का फल हो, चाहे इंसानों का फल हो, आप जहां घुल जाएंगे लोग असफलता से बाहर निकलेंगे और सफलता को पा लेंगे, आप जहां घुल जाएंगे लोगों की निराशा खत्म हो जाएगी और उनके जीवन में आशा आ जाएगी, आप जहां भूल जाएंगे उनके रोग दूर होंगे, उनके दुख दूर होंगे और चंगाई आ जाएगी, आप जहां भूल जाएंगे उनका श्राप खत्म हो जाएगा और आशीष आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको संभाल कर रखेंगे क्योंकि आपका स्वभाव बिगड़ा नहीं है। परमेश्वर जी कहते हैं अगर बिगड़ गए फेंके जाओगे, किसी काम का नहीं, जो बिगड़ गया वो किसी काम का नहीं, जो बिगड़ गया किसी काम का नहीं, जो बिगड़ गया किसी काम का नहीं, याद रखिए इस बात को, जो बिगड़ गया किसी काम का नहीं। मान लो मैंने सोने की एक वो बनाई, लूंदानी क्या होती है जिसके अंदर नमक डालकर रखते हैं, नमकदानी सोने की बनाई और उसके अंदर नमक रखा हुआ मैंने संभाल कर खाना खाने के समय उसने इस्तेमाल कर, सोने की है, लेकिन जब नमक खराब हो गया तो सोने में डालकर थोड़ा रखूंगा, फेंकूंगा वहां पर, खाली करूंगा सर। और नमक सोचेगा अरे कल जो था, कल रात को तो मेजे संभाल कर रखा था विश्व जी ने सोने की उस नमकदानी में संभाल कर रखा हुआ था, आज रातों रात पता नहीं क्या हो गया मुझे वहां फेंक दिया नीचे जमीन पे, कहा तो मैं ऊपर था कहा नीचे फेंक दिया, उसे ये नहीं मालूम कि पीछे मुड़कर देखा है अब तो नमक का खंभा है, अब वो नमक नहीं है, नमक का स्वाद बिगड़ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हर दिन हम लोग बात करते हैं, परमेश्वर से चंगाई देते हैं, परमेश्वर से आराम देते हैं, परमेश्वर से छुटकारा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु कोई परंतु नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको थोड़ी शिक्षा दे रहा हूं परमेश्वर मसीह जी ने मुझे लिखवाई, मैंने लिखी और मैं आपको बता रहा हूं कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। आपके हाथ की बात यह है, ये आपको सोचना है, नमक
बने रहना है या नमक का खंभा? वो पानी कैसे बदल गया मिनट में? कैसे उस पानी में तब्दीली आ गई? कैसे वो पानी जो हानि करने वाला था लाभ देने लग गया? क्योंकि उसके अंदर नमक घुल गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अपने जीवन के बारे में सोचें, कम से कम वो लोग तो जरूर सोचें जिन्हें समझ आ गया है। हो सकता है बिल्कुल नए लोग हों चंगाई पाने के लिए, राम पाने के लिए ना समझाया हो। हे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। आज का वचन हमारे जीवन में काम करे प्रभु। हम पीछे मुड़कर ना देखें। हम नमक का खंभा नहीं बनना चाहते, हम वो नमक बनना चाहते हैं जो उस पानी में भी डाला गया तो पानी मृत्यु देने वाला था, जो पानी हानि करने वाला था, जो पानी कच्चे फल कराने वाला था, वो ब्लस्ड हो गया, आशीषित हो गया। हम ऐसा नमक बने क्योंकि हमें स्वर्गीय राज्य के भेद प्रकट हम पर हैं। हम ऐसा नमक बने जो लोगों को हानि से बाहर निकाल सके, लोगों के जीवनों को बदल सके, लोगों के जीवनों को आशीष दे सके, लोगों के जीवनों को ब्लस कर सके। हे पिता मदद करो, हे पिता मदद करो, हे पिता मदद करो, हे पिता मदद करो। जैसे अक्सर सब लोग ये कहते हैं कि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो जो नमक का खंभा लूत की पत्नी बनी थी वो फिर लूत की पत्नी की तरह फिर हो जाएगी, वो बदल जाएगी। हे पिता, आपने जब आना है उस दिन वहां बदलाव आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आज अभी हमारे बीच में आप उतर आएं। और जो खंभा है अभी उनके अंदर बदलाव आ जाए, अभी उनके अंदर बदलाव आ जाए, अभी बदलाव आ जाए। हो रामा लाशा दबा बारा सीधा बारा नमा।